सभी त्योहार दो दो दिन मनाए जाते हैं, इसलिए काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आपने उठनी एकादशी की पूजा कब की है, 11 को या 12 को? हमारे यहाँ तो 12 को मनाई जा रही है, इसलिए मैंने फटाफट से पूजा थाल रेडी कर ली है और मैं जा रही हूँ पूजा करने। देव उठानी एकादशी के लिए मैं प्लेट रेडी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ली है कॉपर की प्लेट, उसमें मैं रखूँगी स्वीट्स के लिए बताशे, रोली, पंचमेवा, गुड़, मूंगफली को मैंने काट लिया है और इस तरीके से गन्ने को भी काट लिया है, तो वो भी मैं रख लूँगी। गन्ना ही देव उठनी एकादशी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद रख लूँगी मैं फूल, कपूर और दीप। देव उठनी एकादशी की पूजा की थाल रेडी हो चुकी है। ये पास से देखते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। ये दीप, जैगरी, रोली, चीनी बताशा, मूंगफली, ड्राई फ्रूट, फ्लावर, कपूर, धूप बत्ती और ये ईख का पौधा। और ईख ईख सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इस पूजा में। तो पूजा की थाल लग कर के रेडी हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। देव उठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।